गुड मॉर्निंग भाई, आप देख रहे हैं 98.5 एफएम रेडियो चिली। मैं हूं आपका दोस्त प्रांजल और आप देख रहे हैं रेडियो चिली, देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ रेडियो स्टेशन। बीते दिनों में शाहरुख खान की पठान मूवी बहुत चर्चे में रही। अरे भाई, रहेगी भी क्यों नहीं, किंग खान की 5 साल बाद ये सबसे बड़ी मूवी आ रही थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड क्रॉस कर दिए। किंग खान और भाईजान के साथ आने से क्रिटिक्स तो खुश हो ना हो, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा खुश। करण अर्जुन के बाद ये पहली फिल्म है जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान साथ में दिखे और ये सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को क्रॉस कर गए। मॉडर्न जगत में बॉलीवुड की तरफ से ये दूसरी सबसे हिट फिल्म है। फर्स्ट ऑब्वियसली अजय देवगन की दृश्यम 2 है। भाई सच में, ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर मूवी का सीक्वल कैसे डिलीवर करते हैं ये फिल्म मेकर्स ने बखूबी दिखाया है। अब बॉलीवुड की बात हो गई है तो एक और ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करते हैं, जो है बिग बॉस 16। बिग बॉस 16 का विनर हमें मिल चुका है और वो है नन अदर देन ओरिजिनल बस्ती का अस्थि एमसी स्टैन। 5 फाइनलिस्ट शालीन भानोत, अर्चना गौतम, प्रियंका चहर चौधरी एंड शिव ठाकरे को हराकर एमसी स्टैन ने बिग बॉस 16 का खिताब अपने नाम किया है। बिग बॉस 16 अपने अनोखे कंटेस्टेंट की वजह से चर्चे में रहा। उन्हीं एक एक्स कंटेस्टेंट अब्दू रोजेक से जुड़ी एक न्यूज आई है जिसमें पता चला है कि अब्दू रोजेक बिग ब्रदर शो में जाने वाले, जहां पे वो अपनी पर्सनालिटी ग्लोबल लेवल पे शोकेस कर सकते हैं। माय हार्टली कांग्रेचुलेशंस टू अब्दू रोजेक। चलिए, अब बॉलीवुड न्यूज और एंटरटेनमेंट न्यूज की बात हो गई है तो अब बात करते हैं थोड़े स्पोर्ट्स न्यूज की। तो स्पोर्ट्स में अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां पे कल के दिन में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों से हरा दिया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा का शतक बहुत ही अहम रोल निभाया।